हेलो फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो हार्ड डिस्क रिपेयरिंग का, तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि हार्ड डिस्क हमारे पास है तो रिपेयरिंग का एक वीडियो बना दूं ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास एक हार्ड डिस्क बनने के लिए आया है हमारे शॉप में। बड़ी वाली हार्ड डिस्क जो है ख़राब हो चुकी है डेस्कटॉप का, और डेस्कटॉप ऑन नहीं हो रही थी इसी कारण से, तो इस हार्ड डिस्क की वजह से डेस्कटॉप ऑन नहीं हो रही थी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ हार्ड डिस्क को ये पैनल को खोलना है जो है मदरबोर्ड को, बोर्ड को, और इस बोर्ड को खोलने के बाद यहाँ पे बोर्ड के अंदर में देखेंगे फ्रेंड, सर्किट बोर्ड में कि प्रॉब्लम है बहुत ही क्रिटिकल, जिस कारण से यहाँ पे काम नहीं कर रही है। लेकिन ज़्यादा भी क्रिटिकल नहीं है प्रॉब्लम, जो कि आपका सॉल्व ना हो। देखिए यहाँ पे कितनी कार्बन जम चुकी है फ्रेंड, बहुत दिनों से रखा होगा कंप्यूटर इसका, जिस कारण से ऐसा प्रॉब्लम हुई है। तो इसको इजीली एक छोटा सा चाकू लेके किसी की मदद से यहाँ पे इसको इजीली साफ करेंगे फ्रेंड। साफ कर लेते हैं फ्रेंड, बहुत ही कार्बन है। ये साफ होने के बाद डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा तो आपका जो हार्ड डिस्क काम करने लगेगी। अगर हार्ड डिस्क आपका रखी हुई है कितनों दिनों से, लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आप अपना हार्ड डिस्क को अपने से ही इजीली इसको ठीक कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको सारा चीज़ को साफ कर लेते हैं और आपको हार्ड डिस्क को ठीक करके दिखाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे सारा क्लीन हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा इस सब में भी थोड़ा सा अगर होगी तो थोड़ा सा साफ कर दीजिए। ज़्यादा इसमें छिड़खानी नहीं करनी है फ्रेंड, अगर चल जाता तो, लेकिन इसमें ज़्यादा छिड़खानी नहीं करनी फ्रेंड, बहुत ही नाजुक चीज़ होती है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर लगा लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा हार्ड डिस्क है उसको भी रिपेयर करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है उसमें भी, और अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कुछ रीज़न की वजह से जैसा ख़राब होगा वैसा ही सॉल्व होगा। तो ये नॉर्मल रखे रखे ख़राब होने से आप अपना हार्ड डिस्क को रिपेयर कर सकते हैं, बट मेरा जो छोटी वाले हार्ड डिस्क है लैपटॉप का, उसका प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में फ्रेंड, किस कारण से मैं उस हार्ड डिस्क को रिपेयर नहीं कर पाया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इसको लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे लैपटॉप वाले हार्ड डिस्क को रिपेयर करके दिखाते हैं कि किस कारण से मैं उस हार्ड डिस्क को रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। वो भी रिपेयर हो जाएगी, बट मेरे पास उतनी सारी पार्ट्स नहीं है। अगर वो पास्ट जो है वो हम लगा दें तो हमारा हार्ड डिस्क ठीक हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा आपका है तो वो ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व किसी कंप्यूटर शॉप से करवा सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हो जाता है हार्ड डिस्क के अंदर में, जिस कारण से लैपटॉप वाले हार्ड डिस्क काम नहीं करती। मेरी जो हार्ड डिस्क है पटकने के वजह से ख़राब हुई, लैपटॉप गिरने की वजह से ख़राब हुई है, लैपटॉप चालू में गिरने की वजह से ये हार्ड डिस्क ख़राब हुई है। ऐसा प्रॉब्लम तभी आती है अगर लैपटॉप चालू है, अगर लैपटॉप चालू में गिर जाती है तो आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो जाएगी फ्रेंड। तो कभी भी लैपटॉप चालू करके बैग में या कहीं भी लेके ना जाए, रखें सिर्फ चालू करके, यूज करें फिर बंद कर दें। अगर चालू हार्ड डिस्क में गिर जाती है लैपटॉप तो आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो जाएगी। मेरे तीन तीन हार्ड डिस्क करप्ट हो चुकी है फ्रेंड अभी तक, तो मैंने लास्ट में SSD हार्ड डिस्क यूज किया हूँ। तो चलिए दिखाते हैं फ्रेंड किस कारण से करप्ट हो जाती है और चलती हुई हार्ड डिस्क में क्यों जल्दी करप्ट हो जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन करते हैं फ्रेंड।
वो सारे प्रॉब्लम इसमें नहीं है फ्रेंड, वो सब भी चेक किया, लेकिन इसका जो करप्ट होने का है जो फ्रेंड वो आपको दिखाते हैं। मैंने तीन तीन हार्ड डिस्क, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका था मेरे को फ्रेंड, तब जाके मैंने SSD हार्ड डिस्क ले लिया लैपटॉप में यूज करने के लिए। उसके बाद लैपटॉप कितना भी ऑन रखे या गिर जाए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं था मेरा, तो मैं इसलिए SSD हार्ड डिस्क को यूज करने के लिए आपको भी बोलूँगा, लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप हो तो SSD हार्ड डिस्क में ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं फ्रेंड, बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम होती है इस हार्ड डिस्क में, आपको सीधा सीधी आपको कंप्यूटर में लगा के दिखाएंगे। ये जो चाबी है ये आगे पीछे होना चाहिए, यही जो है कभी आगे हो जाती है और सही से काम नहीं करती, यही टूट चुकी है जो है, यही टूट चुकी है फ्रेंड बाज के, जो कि गिरने के वजह से फ्रेंड। तो ये आपका लगा देती है कंप्यूटर शॉप में और इजीली इसको चालू कर सकता है फ्रेंड। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाते हैं फ्रेंड, और मेन वाले बीच वाली उसमें भी स्क्रैच आ गई फ्रेंड, तो अगर आपका स्क्रैच ना हो तो ठीक हो सकती है फ्रेंड, अगर स्क्रैच आ गई है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व होना मुश्किल है। तो मेरा स्क्रैच थोड़ा बहुत आई थी तो उसमें भी ठीक हो सकती है, अपना डाटा को रिस्टोर कर पाएंगे, हो सकता है कि नहीं भी कर पाए तो वो कंप्यूटर सब वाला ही बताएगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हार्ड डिस्क हमारा चल रही है लेकिन ये चाबी कोई काम नहीं कर रही है फ्रेंड, लेकिन जब हार्ड डिस्क लगी हुई थी तो चिक चिक ये चाबी काम कर रही थी लेकिन लोड नहीं ले रही थी, तो इस चाबी में कुछ प्रॉब्लम है फ्रेंड जो कि आगे पीछे हो ही नहीं रही है, तो इस चाबी के कारण ही यहाँ पे ये हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही है फ्रेंड। तो ऐसा हार्ड डिस्क में आपका भी प्रॉब्लम हो सकता है लैपटॉप का, डेस्कटॉप में तो चांस कम होती है, डेस्कटॉप में जो मैं आपको रिपेयर करके दिखाएँ सिंपल उतना ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डेस्कटॉप में ऐसा कोई प्रॉब्लम पटकने उठने का नहीं होती है, लेकिन आपका हार्ड डिस्क गिर जाती है तो आपका ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो हार्ड डिस्क को इजीली जब भी आप रखें पूरी सेफ्टी से रखें ताकि आपका डाटा जो भी हो वो करप्ट ना हो फ्रेंड। तो चलिए हमारा जो है बहुत सारा डाटा करप्ट हो चुका था लेकिन वैसा कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं था मेरा, तो मुझे कुछ ज़्यादा ये नहीं हुआ है, हम तो नॉर्मल PC जो यूज करते हैं वैसा ही यूज कर रहे थे जो कि बाद में भी किसी से भी मिल सकती है। तो मेन जो भी डाटा हो आप मेन हार्ड डिस्क में कभी ना रखें करप्ट होने की वजह से, उसको एक न्यू हार्ड अलग से हार्ड डिस्क आप रख लें जिसमें मेन जो भी डाटा हो आप उसमें रखें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इसको खोलते हैं और इसकी डिस्क को देखते हैं कैसी है, मुझे इसको तो बनाना है नहीं और ऐसे भी इसमें हमको बना के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई डाटा मेरा है ही नहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड देखिए कितनी चमक रही है हार्ड डिस्क और कितनी कमाल लग रही छोटी सी डिस्क। तो चलिए फ्रेंड इस डिस्क को देते हैं लगा और आपको बड़ी वाली हार्ड डिस्क को चेक करके दिखाते हैं आप फ्रेंड। तो फ्रेंड जो चैनल पे न्यू और पहली बार वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड हार्ड डिस्क को लगाते हैं पावर केबल और डाटा केबल लगा के आपको हमारे डेस्कटॉप में चेक करके दिखाते हैं फ्रेंड। तो कंप्यूटर अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, तो हमारे चैनल पर जाके डेस्कटॉप वाला वीडियो देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे एक अच्छा सा कंप्यूटर बना सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए मैं अपना डेस्कटॉप को ऑन करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा फ्रेंड हार्ड डिस्क को लोड लेने में, लेकिन मेरी SSD हार्ड डिस्क है फिर भी हमारा डेस्कटॉप बहुत ही जल्दी ऑन हो जाएगी फ्रेंड। चलिए डेस्कटॉप को करते हैं ऑन। तो चलिए फ्रेंड हमारा जो है कंप्यूटर ऑन हो चुका हार्ड डिस्क को लोड लेते हुए, थोड़ी सी लेट हो गए थे तो हार्ड डिस्क रहेगी तो लेट हो गई ही। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे दिखाते हैं हार्ड डिस्क का फाइल शो करने लगा है और इस हार्ड डिस्क में से कुछ चला कर देखते हैं फ्रेंड क्या क्या इस हार्ड डिस्क में है, थोड़ा सा लोड ले रहा है फ्रेंड हार्ड डिस्क। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे
कुछ हम मुझे एक वीडियो मिल चुकी है इसका फाइल में, तो इस वीडियो को देखते हैं प्ले करके हार्ड डिस्क चल रही है कि नहीं अच्छे तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं प्ले, और इसमें कुछ शादी का वीडियो है इसका फ्रेंड, तो देखिए वीडियो पूरा अच्छा फर्स्ट क्लास और बहुत ही मस्त बेहतरीन चल रही है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप अपने हार्ड डिस्क को जल्दी इसी तरीके से ठीक कर पाएंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक करना, कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्ट वीडियो देखना Thank you.